तेरे घर का खाना मेरे देश का खाना है। जानवी कपूर भी आई थी हल्की की पहचान, कुछ दिन पहले, मतलब सब खाते पीते हैं कि इतना फेमस है। हाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं हूँ मिल्लत नगर सर्कल पे। ये है जीशान मोमोज वाला जो कि बहुत फेमस है। समीर भाई, तो ये ओनर या क्या ओनर है, आपका नाम क्या? समीर सिद्दीकी। समीर सिद्दीकी नाम है ये इनका पूरा मोमोज का। कितने टाइम से लगा रहे हैं ये? कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से यहाँ पे ही की गई? और आप नहीं है यहाँ पे 12-13 साल से? सामने है 20 साल हो गया। तो सामने से अभी यहाँ पे आ गए आप, तो आपका ये लोकेटेड क्या है पहले एक बार प्रॉपर लोकेशन बता दीजिए लोगों को। ये लोखंड वाला सर्कल है, मिल्लत नगर गेट भी बोलते हैं इधर, ओल्ड बिल्डिंग सामने है। और आपका सिग्नेचर क्या है? मेनू क्या? चिकन में है, वेज है, पनीर है, टिक्का है। और सिग्नेचर क्या आपका जो आप ऐसा खाते हैं लोग बोले कि नहीं मजा आ गया? हाँ मजा आ गया। चटनी यहाँ की स्पेशल है, चटनी स्पेशल है और मोमोज भी एक नंबर है। सब हलाल है ना? हाँ सब हलाल। और चिकन में क्या आपके पास जो स्पेशल है? चिकन चीज है, चिकन टिक्का है, चिकन पेरी पेरी है, वेज भी। आज खा के बताएंगे इनके आगे कैसा लग रहा है। लगा तो क्या क्या लगाएगी? चिकन चिकन लगा। चिकन में क्या लगाएगी? चिकन चिकन चीज लगा दो। आपका टाइमिंग क्या है शॉप का? ये 5:30 बजे से लेके 12:30 बजे, शाम को 5:30 से 12:30 तक, ये फिक्स टाइम है ना। कंपनी भी है आदर्श नगर। अच्छा कंपनी क्या है? यही मोमोज। अच्छा मोमोज का ये? हाँ ये और भी जगह ब्रांच है। ये मेन कंपनी अपना ये आदर्श नगर पे। अच्छा वहाँ की ये रिटेल का है। आदर्श नगर पे कहाँ पे? ये लोटस पेट्रोल पंप से पहले यासीन मस्जिद पे जो है उसके सामने 6 नंबर का। अच्छा उधर भी है कि? हाँ, ये आप वहाँ बनता है यहाँ पे, फिर सब जगह सप्लाई होता है। अच्छा ऐसा होता है। हाँ, तो आपका मोस्टली डिलीवरी में जाता है कि? यहाँ दोनों में जाता है, इधर से भी जाता है उधर से भी, उधर दुकान वाले लेते हैं। अब फेमस है उनमें कौन आता है टिकटॉकर या कोई एक्टर या कोई? हाँ काफी लोग आते हैं यार, जैसे अभी कुछ दिन पहले राखी सावंत जी आई थी। अच्छा राखी सावंत? हाँ वो भी आई थी, और भी छोटे मोटे आ जाते हैं कभी कभार। जानवी कपूर भी आई थी हल्की की पहचान, कुछ दिन पहले, मतलब सब खाते पीते हैं कि इतना फेमस है। हाँ तेरे घर का खाना मेरे देश का खाना है। तो हम आए जीशान मोमोज पे, तो ये हमने मंगाया था इनका चिकन फ्राइड मोमोज, ये चिकन स्टीम मोमोज, और इनको उस पे इन्होंने ऐसा चाट मसाला डाल के लहसुन की चटनी के साथ और मेयोनीज के साथ दिए। तो टेस्ट करके बताते कैसा है। तो तू कर रही? मैं करूँ? पहले तुम कर लो। मैं करता हूँ पहले, नॉर्मली ट्राई करके देखते। बिना चटनी के भी बहुत ज्यादा टेस्ट है इसके अंदर, इसमें अच्छा है। देख मेयोनीज के साथ ट्राई करके देखते। स्टीम भी अच्छा है, मेरा चटनी भी अच्छा है। बहुत मस्त लग रहा है, थोड़ा सा नमकीन टेस्ट है और बहुत अच्छा है। फ्राइड भी प्रॉपरली है। बहुत कम मोमोज होते हैं जो बिना चटनी के अच्छे लगते हैं, ये उसमें से एक है। बैंगन की चटनी के साथ ट्राई करते। चटनी भी बहुत अच्छी है, और इसकी जो वो है ना लेयर वो भी बहुत पतली स्टीम की, अच्छा लग रहा है इसमें तो। अच्छा चटनी थोड़ी सी इनकी तेज है और मेरे को तेज थोड़ा वो है, मिक्स करके ट्राई करके देखते बीच में। बहुत अच्छा है। बहुत सारे टिकटॉकर वो सब ऐसे खाते हैं, तो जिसको तेज पसंद है वो मोस्टली यहाँ पे है, और जिनको मोमोज पसंद है वो एक बार आके जरूर ट्राई करना, रिकमेंडेड है। मेरे को बहुत कम मोमोज पसंद है, लेकिन ये मोमोज बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे। तो गांव वाले ना इसको पता है, तारीफ करी तो मतलब अच्छे हैं, अच्छे बहुत अच्छे हैं। आओ इधर, बिना चटनी के ज्यादा अच्छे लग रहे, जरूर ट्राई करो। तो आंटी मोमोज तो बहुत अच्छे थे, और ये मैं आपने बाद में बताया कि जो स्पाइसी लवर है उनके लिए ज्यादा अच्छे है। मोस्टली जो स्पाइसी पसंद है वो लोग यहाँ पे खाने आते हैं ना, और ज्यादातर तो कपल लोग ही आते हैं। अच्छा कपल लोग ही आते हैं, हम उसके लिए ही बने हैं।
उसके लिए ही बनाता है। और इनकी कंपनी जो बता रहे थे आगे वहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं वो बता देने। पूरा मुंबई में होलसेल क्या चीज की कंपनी है? मोमोज का। मोमोज का है, वहाँ पे रिटेल में जाते हैं? रिटेल नहीं, ये होलसेल है। अच्छा, होलसेल में जाता है और सब होटलों में जाता है? होटल में ज्यादा जाता है। कौन से आसपास वाले भी? आसपास वाले भी, दूर का भी, पनवेल, नासिक, सब जगह जाते हैं। दूर दूर आपके मोमोज जाते हैं होटल में जो ट्राई करके आगे बेचते हो? हाँ, नहीं नहीं, वो अपने हिसाब से होटल में इस्तेमाल करते हैं, कैसे किसको देना है। अच्छा, वैसा रहता है क्या? ये तो अंकल बता ही नहीं थे, इनका भी ऐसा जाता है। मोमोज अच्छे थे, मस्ट ट्राई। और स्पाइसी लोगों के लिए तो जरूर आना, जिनको स्पाइसी ज्यादा पसंद है वो आके ट्राई करके जाना।